नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम बात करेंगे धन त्रयोदशी की। ये धन तेरस जो है 17 अक्टूबर मंगलवार को आया हुआ है। सभी का मंगल मंगल होने वाला है, हाँ, कोई अमंगल नहीं होगा। तो धन त्रयोदशी मनाएं और सुखी होने का, अमीर होने का वरदान पाएं। अगर ढंग से उपाय किया तो आपको हजार गुना धन लाभ हो सकता है, हजार गुना। क्योंकि ये ऐसा संयोग आया है, सैकड़ों साल बाद ऐसा एक संयोग आया है कि मंगलवार को धन त्रयोदशी यानी धन तेरस पड़ी है और मंगल आपसे मेहनत कराकर अकूत धन दौलत देगा। इस बार मंगलवार को धन त्रयोदशी में हजार गुना धन पा सकते हैं। साथ में आपको अच्छी सेहत मिलेगी और आपके ऊपर बार बार जो संकट आते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। धन कुबेर अकूत धन देंगे। धन त्रयोदशी क्या होती है? कुबेर की पूजा होती है, धन कुबेर देते हैं धन दौलत। कुबेर कौन है? लक्ष्मी जी के खजांची है, ट्रेजरार है ना, तो वो धन देते हैं। और साथ में उस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, वो अच्छी सेहत देते हैं और हनुमान जी हर संकट को दूर करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि उस दिन यमराज के लिए दिया जलाया जाता है और यमराज के लिए घर के मुख्य द्वार पर जरूर दिया जलाना चाहिए, मिठाई फल वगैरह रखना चाहिए ताकि वो दरवाजे से आकर ही लौट जाएं। तो उससे क्या होगा, यमराज जी अकाल मृत्यु नहीं देते हैं, अकाल मृत्यु नहीं देते हैं, यानी एक्सीडेंट में अचानक कहीं जा रहे हैं, टूट फट के गिर गया, पेड़ टूट गया, सड़क टूट गई, बाढ़ आ गई, अकाल मृत्यु हो जाती है, वो नहीं होगी। लेकिन सबके लिए उपाय तो करना पड़ेगा, पूजा तो करनी ही पड़ेगी। और देखिए क्या है कि मंगलवार को धन त्रयोदशी को बर्तन खरीदे जाते हैं, उसका बड़ा महत्व है। कहते बर्तन खरीद करके, जो मेटल खरीद करके लाएगा उसकी धन दौलत बहुत तेजी से बढ़ेगी। कोई ना कोई एक चीज़, चाहे वो चम्मच ही खरीद लें, चाहे वो कलछुल खरीद लें, थाली प्लेट खरीद लें, लेकिन खरीदते जरूर हैं। तो मंगलवार को बर्तन किसका खरीदना है? क्योंकि मंगलवार को त्रयोदशी पड़ी है, धनतेरस है, तांबे का बर्तन जरूर खरीदना। क्योंकि कहते हैं तांबे के बर्तन से पूजा पाठ करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो शुद्ध मेटल माना जाता है। इसलिए तांबे के बर्तन खरीदेंगे जरूर, चाहे आप कोई भी और भी खरीदे, सोना चांदी खरीद ले, लेकिन चांदी का सिक्का भी खरीदा जाता है, लेकिन तांबे का बर्तन एक जरूर खरीदना। और गणेश लक्ष्मी जी जो हैं, चूंकि मंगलवार को धनतेरस है, उस दिन गणेश लक्ष्मी नई खरीद के लाई जाती है पूजा करने के लिए, दिवाली की पूजा करने के लिए, तो गणेश लक्ष्मी मिट्टी के या तांबे के होने चाहिए, वो खरीद के लाएं। या तो मिट्टी का हो, लाल मिट्टी की होती है वो भी मंगल का कारक है, और नहीं तो तांबा मंगल का कारक है। मंगलवार को धन त्रयोदशी है तो खाना चाहिए, लेकिन वो आप खरीद के ले आएंगे, पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन धन त्रयोदशी को और क्या खास करें, खास क्यों करें? देखो मंगलवार को धन त्रयोदशी पड़ी है, मंगलवार को सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है जो काफी धन दौलत देता है, ऐश्वर्य देता है। मंगलवार को हनुमान जी का पूजा का दिन है, तो हनुमान मंदिर भी जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दीपक जलाएंगे, और हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो समझिए बहुत ही कल्याण हो जाएगा, धन दौलत तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगी आपको। तुला राशि में सूर्य, बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं, तीन ग्रह ही राजयोग है, हर मनोकामना पूरी होगी, हर मनोकामना, यहाँ तक कि आपको राजयोग मिलेगा। धन त्रयोदशी में क्या क्या करना बहुत जरूरी है, पहले तो तेल लगाकर सुबह सुबह स्नान करें, उस दिन लाल वस्त्र धारण करना है, सबसे पहले गणेश जी को और कुबेर की पूजा करनी है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम कुबेराय नमः, जाप भी कर सकते हैं, गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, लक्ष्मी जी धन का लाभ देंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी कुबेर के थ्रू देंगी, कुबेर के जरिए देंगी। और कुबेर क्या करता है, धन तो देता है, वो खजांची भी है, लेकिन धन का संग्रह भी कराता है, और आपके सामने धन का संग्रह करा के रखेगा तो धन आपके पास जमा होने लगेगा, तो बरकत आ जाएगी आपके घर में, अमीर बन जाएंगे। कुबेर को लक्ष्मी जी का कोषाध्यक्ष माना जाता है। इसके अलावा भगवान शंकर जी ने भी उन्हें धन कुबेर बनाया था,
और उनको कमल का फूल बहुत पसंद है, गुलाब की माला, कमल के फूल, ये सब लक्ष्मी जी को भी चढ़ाएंगे और नारियल, बर्फी, केले, मखाने का भोग लगाएंगे, लक्ष्मी जी की भी पूजा पाठ करेंगे, उसके साथ साथ उसके बाद कुबेर की करेंगे, गूगल की धूप जलाएं, ही दीपक जलाएं और मंत्र का जाप करना है, ओम गणपति देवाय नमः, ओम गणपति देवाय नमः, ओम श्रीयै नमः। श्रीयै कौन है? माँ लक्ष्मी। ओम श्रीयै नमः और ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। अगर ये आप मंत्र का जाप कर देंगे तो निश्चित मानिए धन दौलत ऐश्वर्य धन तेरस के आप ही के घर आएगी, आपको मालामाल कर देगी। मुझे जाना पड़ेगा, कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके। नमस्कार, राम राम।